अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। आज हम बात करेंगे एनपीएस के बारे में। हम बात करेंगे एनपीएस में ट्राई टू अकाउंट कैसे खोला जाता है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इस पेज पे हूँ। अगर आपको ट्राई टू अकाउंट खोलने का है तो आप यहाँ पे इस लिंक पे आ सकते हैं। इस लिंक के आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी आगे की प्रोसीजर होगी हम उस क्लिक करने के बाद हम देखेंगे। यहाँ पे आपको नंबर डालना पड़ेगा, आपको जो भी प्लान जो रिटायर परमानेंट रिटायर नंबर है वो डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी पड़ेगी और जो भी आपका पैन नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। बाद में कैप्चा और वेरीफाई करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल भर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं मेरे जो पैन नंबर है उसे वेरीफाई करूंगा। ये कैप्चा मुझे डालने के लिए बोल रहा है तो मैं डालूंगा। अब मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आ गया होगा, मैं ये ओटीपी यहाँ पे डाल लेता हूँ। बाद में मेरा ये जो प्लान नंबर है जो कि रिटायरमेंट परमानेंट रिटायर नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो मैं मेरा ओटीपी डालता हूँ यहाँ पे। 1 मिनट। और सबमिट पे, यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। प्रोसेस हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मेरा प्लान नंबर है। अब मुझे अकाउंट टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे, जो भी आपका अकाउंट नंबर है अकाउंट है वो टाइप करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं अकाउंट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, सेविंग, जो सेविंग अकाउंट है बैंक का वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। फिर मेरा बैंक का अकाउंट नंबर देना पड़ेगा मुझे। मैं बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ से दे देता हूँ। ये देखिए, फिर मुझे आईएफएससी कोड डालना पड़ेगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे आईएफएससी कोड है वो डालना पड़ेगा। मैं आईएफएससी कोड डाल लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने यहाँ से डाल दिया है। यहाँ का ब्रांच नेम डालना पड़ेगा मुझे, जो ब्रांच नेम है उसका। तो मैं ये पूरी डिटेल्स भर के आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स भर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं अब यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, पैन कंफर्मेशन ये बोल रहा है, एक्टिवेशन प्रोसेस में ये क्लिक करूंगा अपने यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए, मेरा नाम आ गया है और मेरा जो सब कुछ यहाँ पे वो आ गया है। मैंने कब निकाला कब नहीं निकाला वो अभी ओके बोल रहा है। तो मैं यहाँ पे आपसे ओके कर लेता हूँ। अब ओके करने के बाद मुझे यहाँ पे मैं ऑटो ही रखने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे चूज करने का है स्कीम के मामले में, तो मैं चूज कर लेता हूं, यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं। मैं ऑटो ही रखने देने वाला हूं मैं यहां से। तो मैं ऑटो ही रखने देने वाला हूं, मीडियम। ये देखिए, ये आप यहां पे पूरी ऐसे डिटेल्स भर दी है मैंने। तो मैं यहां पे मैं सेव करूंगा यहां से। अब मुझे यहाँ पे वो नॉमिनीज का फॉर्म भरने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहाँ से भर देता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे जो ट्राई वन मेरा अकाउंट है उसी प्रकार से मैंने उसे नॉमिनीज को भी ये कर दिया है। तो मैं यहाँ पे
सेव कर लेता हूं और कंफर्म पर क्लिक कर लेता हूं। और मुझे ये फाइल अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो मैं यहां से फाइल एक आपका जो प्लान नंबर है वो आपको अपलोड करने का और दूसरा जो कैंसिल चेक है वो आपको अपलोड करने का, तो मैं यहां से फटक से कर लेता हूं। यहां पे मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, तो मैं यहां से अब उसे अपलोड कर देता हूं। एक बार पूरी तरीके से चेक कर लीजिए। यहां पे आप देख सकते हैं ये सबमिट हो गया है। एक बार आप पूरी तरीके से चेक कर दीजिए, बाद में हम उसे ये करेंगे। अब मुझे पेमेंट करने के लिए बोल रहा है, मैं पेमेंट के सिस्टम पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ से पेमेंट करूंगा 1000 रुपीज का। वन मिनट, मैं पूरा डिलीट कर लेता हूँ। 1000 रुपीज का मैं यहाँ से पेमेंट कर लूंगा। तो मैं यहाँ से पेमेंट करने के लिए आप मुझे बोल रहा है मैं कौन से पेमेंट से पे करूँ, ई बिल से या मिक्स बिल से। तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूंगा और बाद में मुझे यहाँ पे और पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा मुझे यहाँ से। तो मैं यहाँ पे मेकिंग पेमेंट पे क्लिक करूंगा, यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए कर लेता हूँ। अब यहाँ पे प्रोसेस पे पेमेंट कर रहा बोल रहा है, मैं वहां पे कर लूंगा वो। तो मैं यहाँ से डेबिट कार्ड ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड का नंबर डालूंगा अभी, जो नंबर होगा वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1000 रुपए का पेमेंट किया है। अब मेरे मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा और मेरा पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। कुछ चार्ज भी लगे हैं मुझे 3 रुपए के आसपास इसमें। तो मैं यहाँ पे ओटीपी डाल लेता हूँ। मैंने कार्ड से पेमेंट किया है इसलिए कुछ मुझे चार्जेस लगे हैं, क्या करें। अब मैं यहाँ पे सबमिट करके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। अब प्रोसेस हो रही है। अब मेरा जो पेमेंट मैंने कर दिया है उसकी कुछ मुझे रिसीट मिलने वाली है। देखिए अब मुझे ये रिसीट मिलने वाली है। ये देखिए, ये मेरा प्लान नंबर है, ये मेरा जो कि रिसीट नंबर है जो मैंने डाला है वो सक्सेसफुली मेरा पेमेंट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे मुझे रिसीप्ट मिली है। मैं इसे सेव भी कर सकता हूँ और प्रिंट भी कर सकता हूँ। ये सब होने के बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये फॉर्म है, पूरा फिलअप कर दिया है मैंने, वो मुझे मिला है। रिसीप्ट भी मिली है मुझे, मैंने जो कि पेमेंट किया था उसकी मुझे रिसीप्ट भी मिली है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये मैंने आपको पेमेंट किया है उसकी रसीद मुझे मिली है और ये मैंने फॉर्म फिलअप किया है। अब मैं उसका प्रिंट निकाल के रखूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा बैक आता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं आप पूरी तरीके से मैंने ये दोनों ही फॉर्म डाउनलोड करके रखे वाले हैं। और ये मेरा ऐसे करके मेरा अकाउंट जो है NSDL का वो सक्सेसफुली मैंने लॉगिन किया वाला है। इसमें आप देख सकते हैं जो कि ट्राई टू का अकाउंट है वो मैंने एक्टिवेशन कर दिया है। ऐसे करके आप ट्राई टू का अकाउंट एक्टिवेशन कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं है उसमें, थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन आपके पास रखनी होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स के फोटो आपके पास रखने होंगे, तो ज्यादा आपको परेशानी होने की जरूरत नहीं है। इसमें आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं अगले ऐसे ही मोबाइल के अपडेट में।